firstly, good to see you guys. The season one, part one has been very good. You all guys are looking very good on part one. We were waiting for part two. काफी excitement है. ये जो महीने जो कटे हैं, यही सोच में कटे कि क्या होने वाला है part two. We are very excited for the part two. How excited are you for the part two? We are very excited. I think more excited because you all are excited. I mean, it's really nice to have everyone that I've been meeting over the last 2-3 months has been like, "Yaar, kab aa raha hai? Kab aa raha hai? Batao." And that's a good feeling because I think the audience, after watching the first 4 episodes, wanted more, and they were. I could feel genuine anger in some people that we were not giving everything at one time. But yaar, finally, abhi ho raha hai, and very excited to see what everyone thinks of those 3 episodes. Out of the 3 of us, only Sandeep has seen them, obviously, since he is the director. So I am feeding off his confidence and quite happy. I'll say वो जो किसी ने बहुत अच्छी तरह बोला था मुझे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा के बाद अगला सवाल ये है कि नाइटमेयर के दूसरे एपिसोड्स कब आएंगे. सो इतना कहूँ तो इतना इतना प्यार कहूँगा जो एज आदि सेड थोड़ा गुस्से के फॉर्म में भी आता है, पर वो प्यार ही है. The fact that people have loved it and they are so excited makes me confident yet nervous. कब आएगा तो, you know, क्या expectation है लोगों की. और एज आदि अनिल सर सेड कि मैंने ही देखा है तो अभी ये बंद मुट्ठी है. तो 30th को आई एम वेरी कीन टू नो एवरीवन्स रिएक्शन इंक्लूडिंग अनिल सर एंड आदि व्हाट दे फील व्हेन दे सी इट. 29th को स्क्रीनिंग है एपिसोड की, तो आप आइए सब लोग और देखिए. एंड अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको दूसरा पार्ट और भी अच्छा लगेगा. 28 को स्क्रीनिंग है. स्पेशल अनिल सर ने इस बार डिसाइड किया है कि हम सब मीडिया के लिए स्क्रीनिंग किया जाए, तो आप सब लोग के लिए इनविटेशन है फ्रॉम सर. 28 को ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं था. रिलक्टेंट तो हर रोल के लिए होता हूँ मैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा एंक्शसनेस नर्वसनेस होती है कि ये मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँगा. मुझे लगता है वही एनर्जी से फिर मैं, जब वो एनर्जी मिलती है तो वो कॉन्फिडेंट होकर काम करना तो मुझे आता नहीं करना. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मुझे हेल्प करती है ताकि मैं और यू नो रोल को जिस तरह डायरेक्टर चाहते हैं और जिस तरह राइटर्स चाहते हैं उसे अच्छी तरह निभा सकूँ. तो वो रिलक्टेंस, वो यू नो, वो ये सब चीज़ें आई ड्रॉ फ्रॉम दैट एनर्जी. कहते ना जैसे सीजन बदलती है हर कैरेक्टर का, जैसे नेचर का भी रंग बदलता है, जैसे हर कैरेक्टर का रंग बदलने वाला है. और सिर्फ लिपिका का कैरेक्टर नहीं, शान का कैरेक्टर बदलने वाला है, शैली का बदलने वाला है. सो मैं बस यही कहूँगा कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड when the second part comes out. काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी हमने कोशिश की है कि हम आप लोग की उम्मीदों तक यू नो खरा उतर पाएँ, बट अभी कहते हैं कि आपके ऊपर है. लेट्स सी हाउ यू गाइस रिएक्ट टू इट. शान के किरदार की मैं बात करूँ, कितना हमने अब तक शान के किरदार को पूरी तरह देखा है पार्ट टू, पार्ट वन में, और पार्ट टू में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हम देखने वाले शान के किरदार? आई थिंक काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा क्योंकि अभी शान हैज़ फाइनली फाउंड द ट्रस्ट. अभी ही इज़ अर्न द ट्रस्ट, अभी वो घुस गया है. अभी क्या है कि द स्टोरी इज गोइंग टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग और शान इज गोइंग टू बी इन मोर एंड मोर सिचुएशंस दैट आर गोइंग टू कन्फ्यूज द ऑडियंस कि वो बोले कि नहीं बोले. कि वो उसके मोटिवेशंस सेम रहेंगे, चेंज करेंगे, उनके प्रायोरिटीज़. आई थिंक लाइफ शान के लिए अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है. उनके सामने काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं जो पहले नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज़. और आई थिंक द ऑडियंस विल ऑल्सो बी वेटिंग टू सी कि वो ये करेगा कि वो. यू फेस ऑफ नहीं, उनका उन्होंने बात की थी जब टॉम हिडलसन साहब ने देखा ये हमारा शो, कुछ एपिसोड्स देखे, हमने लंदन में स्क्रीनिंग की थी. सो उन्हें कहे तो यू नो ही वॉज सो मूव्ड एंड ही रियली लाइक्ड इट सो मच. उन्होंने कहा कि यू नो ही वुड लाइक टू स्पीक टू आदित्य. सो दैट टाइम आई थिंक इंडिया में काफ़ी लेट टाइम हुआ था एंड आई रिमेंबर
कॉलिंग आदित्य एंड आई थिंक लाइक अ गुड ह्यूमन बीइंग ही वाज अबाउट टू गो टू बेड एंड वी हैड वोकन हिम अप विद टॉम्स कॉल. तो ही कैन एक्चुअली टेल यू. काफ़ी लंबी बात हुई और मेरे ख्याल से काफ़ी पर्सनल बात हुई एक दो एक्टर्स के बारे में. एक ही कॉमन पार्ट दोनों ने प्ले किया है. सो दोनों की किस तरह से उन्होंने अप्रोच किया काफ़ी डिटेल था. इनफैक्ट कुछ मिनट्स के बाद तो मैं भी दूर चला गया. आई वॉन्टेड देम टू हैव देयर मोमेंट टुगेदर. इट वॉज अ वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट थिंग फॉर बोथ ऑफ देम. ये कि उनको एक्चुअली शो काफ़ी अच्छा लगा. ही दे ऑल ऑफ देम लव द शो. दे फेल कि संदीप और राइटर्स ने बहुत यूनिक तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया है यू नो फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. रोल के बारे में बात की. ही आस्क्ड मी हाउ आई अप्रोच्ड इट और आई ऑब्वियसली वाज यू नो वेरी थैंकफुल टू हिम क्योंकि आई गॉट सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम द वे ही प्लेड हिज रोल. तो यस वी स्पोक फॉर अ वाइल. उनको यू नो शो भी अच्छी लगी और ऑल्सो द परफॉर्मेंस विच आई थिंक वॉज रियली नाइस टू हियर. फोर्टी ईयर्स कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला. और बस अभी नाइट मैनेजर का इंतज़ार है पार्ट टू का. 30 जून को डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज होगा. आप लोग सब देखिए, ज़रूर देखिए. और 28th को आप आइए तो आपके सारे जो सवालों का जवाब हम वहाँ भी देंगे. सब चीज़ों का सवाल अगर यहाँ दे दिया तो फिर वहाँ हमारे पास वो शो देखने के बाद कुछ बचेगा नहीं आपसे. वेल आई थिंक आई बीन वेरी खुशनसीब रहा हूँ कि अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. अच्छे एक्टर्स के साथ, अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ, अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स, कैमरामैन्स के साथ. तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ के मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है. तो उनसे सीख सीख के जो कुछ भी आप देख रहे हैं मेरे पर्दे पर, तो कहीं ना कहीं उन सब की सीख है, उन सब का योगदान रहा है मेरे यू नो जितने भी मैंने किरदार अभी किए हैं लास्ट सालों में कुछ. एंड जैसे कि सो आई थिंक इट्स बेसिकली क्या होता है कि अकेला तो आदमी कुछ कर नहीं सकता और कहीं ना कहीं ऊपर वालों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, ये सब चीज़ें होती हैं जो काम आती हैं. आई बीन फॉर्चुनेट कि यू नो जैसे नाइट मैनेजर आई एम फॉर्चुनेट कि मुझे यू नो इस ऑनसेंबल कास्ट का और डायरेक्टर्स राइटर्स काम करने का मौका मिला. तो कहीं ना कहीं ये तो प्लान किया नहीं था, ये मेरी झोली में आके आ गया और मैंने उसे स्वीकार किया और अपनी तरफ से पूरी मेहनत की और काम किया, सब ने मिलकर किया. और फिर इसलिए सब कुछ जो आप देख रहे हैं पर्दे पर, इतने लोग आप लोग आए हैं, सवाल कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आई तो बिलीव इन द यूनिवर्स. आई बिलीव इन यू नो हार्ड वर्क एंड अ सर्टन काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ द फैमिली एंड एवरीबडी, ऑल योर वेल विशेज हू जनरली फील फॉर यू. सो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़. कोई ज़्यादा कोई इसमें हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, हमसे भी खूबसूरत लोग हैं. एंड कभी कभी उनको मौका थोड़ा बाद में मिलता है, हमको पहले मिल गया. हमको कुछ ऐसी फिल्में मिलती हैं, ऐसे शोज़ मिलते हैं जो हमें काम करने का वहाँ मौका मिलता है और शाइन करने का मौका मिलता है. सो आई मीन वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास ये कहानी आई, ये शो आया और हमने उसे आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की. आई थिंक मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैं सर के साथ, ये मेरी दूसरी प्रोजेक्ट है. मलंग में भी साथ में काम किए थे. आई थिंक एवरी डे सर के साथ इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आई थिंक सर इज जस्ट हिज अप्रोच टूवर्ड्स वर्क, यू नो हाउ कमिटेड सर इज़ टू एवरी रोल, जिस तरीके से वो प्रिपेयर करते हैं, यू नो इन्वॉल्व होते हैं, इज एन इन्फेक्शियस थिंग. एंड ऑल ऑफ अस आई थिंक गेट इंस्पायर्ड एज यंगर यू नो स्टार्टिंग नॉट स्टार्टिंग बट यू नो यंगर इन द प्रोफेशन फ्रॉम दैट.
और सर आई थिंक इन डिफरेंट वेज यू नो सर इज़ अ टीम प्लेयर. आई थिंक संदीप कैन टेल यू कि वो हर चीज़ में यू नो देर इज़ अ इफ यू वॉन्ट सर इज़ हेल्पफुल यू नो यू आस्क एंड इट्स देयर एंड ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम हेल्पिंग एक्टर्स टू हेल्पिंग प्रोडक्शन टू हेल्पिंग इवन द डायरेक्टर विद ऑल हिज एक्सपीरियंस. हाँ हाँ वो करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि वो एक्चुअली स्टिंग ऑपरेशन जैसा था ना. आई पुट ऑन दिस थिंग एंड वी पुट ऑन दिस हिडन कैमराज और कोई कोई लोगों को पता है कि ये चलो कुछ प्रमोशन चालू है बट सम पीपल एक्चुअली गॉट फूल्ड यार कि एक्चुअली आई मेट माई ओल्ड स्कूल टीचर और उनको उनको सच में लगा कि यार आदि आई थॉट कि तू एक्टिंग में है ना ये क्या हो गया है. ऐसे नहीं मैम वो एक्टिंग चल नहीं रहा था ठीक से तो ये बैकअप है कोविड के बाद करना पड़ता है. तो एक्चुअली करने में मज़ा आया और एक्चुअली वो जॉब में क्या जॉब इजी नहीं है यू नो आई आई गॉट टू लर्न क्वाइट अ बिट ऑफ इट बट यार देखते हैं वापस. पर अभी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो अनाउंस नहीं कर रहा है ना सुमड़ी में जाके. आई थिंक यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ का पार्ट टू पार्ट थ्री जो भी हम कहें तब बनता है जब प्यार मिलता है ऑडियंस का. तो ये एंडिंग का कोई लेना देना नहीं है. आपने जिस तरह से आप रिएक्ट करेंगे उसके दम पर यू नो ये सब डिसीजंस लिए जाएंगे. तो सब कुछ अभी ऐसा सेट 30 तारीख को आप लोगों के हाथों में.